अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार का नंबर वन वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल। इस वक्त आप मैच देख रहे हैं कोलकाता वर्सेस उड़ीसा के बीच में, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, पहला सेट का खेल चलता हुआ और दोनों टीमें काफी अच्छा खेल रही है, चाहे वो कोलकाता की टीम हो या फिर उड़ीसा की टीम। उड़ीसा की ओर से मनिया जो काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनके विपक्ष में कोलकाता की ओर से एसवल जायसवाल जो भारत की ओर से इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, बहुत मैचों का अनुभव रहा है और काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच में। और दर्शक चारों तरफ से खचा खच भरा हुआ इस पूरे स्टेडियम में, इस ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये पांचवा मुकाबला, काफी बेहतरीन मुकाबला चलता है दोनों ही टीमों के बीच में और काफी अच्छा इस मैच यहाँ पे और लगातार अच्छा कर रहे हैं। अब सर्विस करते नजर आएंगे कोलकाता की ओर से, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि मनिया इसका जवाब किस तरीके से देते हैं। और बहुत ही अच्छा इस मैच और एक अंक अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे मनिया की टीम। और एक बार फिर से सर्विस करते नजर आएंगे मनिया, मनिया काफी अच्छा सर्विस करते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस मनिया के द्वारा और बहुत ही सुंदर इस मैच कोलकाता के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन उतना ही सुंदर जवाब उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा और लगातार अच्छा कर रहे हैं इस बार, बहुत ही अच्छा प्रयास जरूर रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि प्रयास क्या करते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा इस मैच और फील्डिंग करने में कामयाब रहे और बहुत ही सुंदर डिफेंस यहाँ पे एसवाल रॉय के द्वारा। एक बार देवाशीष आगे निकल के आए और हल्के हाथों से गेंद को दूसरे पाल में किया, लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे मनिया और इसके साथ ही एक अंक और अर्जित करते हुए कोलकाता के टीम। और अब सभी को बता दूं कि भारत की ओर से एसवाल रॉय बहुत सारे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अगली सर्विस जो आएगी वो किस तरह के साथ ही, काफी अच्छी सर्विस यहाँ पे लेकिन नाकामयाब रहे। और एक बार फिर से चांस बनेगा यहाँ पे मनिया के पास, उड़ीसा के पास एक बार फिर से चांस है और दर्शक जो चीयर कर रहे हैं उड़ीसा के प्लेयर को, क्योंकि काफी संख्या में दर्शक आए हुए इस मैच का मजा लेने के लिए। काफी अच्छा इस मैच है मनिया के द्वारा और उतना ही जबरदस्त प्रहार कोलकाता के खिलाड़ी के द्वारा, एक बार फिर से मनिया का प्रहार और उतना ही अच्छा जवाब यहाँ पे, लगातार अच्छा यहाँ पे मार चल रहा है दोनों खिलाड़ी के, दोनों टीमों के बीच में। और एक बार फिर से काफी अच्छा यहाँ पे खेल का मुजाहरा पेश करते हुए, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अगली सर्विस किस तरह करते हैं, क्योंकि मनिया जो उनके विपक्ष में है कोलकाता के विपक्ष में काफी अच्छा सर्विस करते हैं, एक स्पेशल सर्विस मैन के तौर पे जाने जाते हैं और इस ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अपना एक अलग छाप छोड़े हैं इस पूरे साल सीजन में। और बहुत ही अच्छा इस मैच एक बार फिर से उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा और लगातार अच्छा कर पा रहे हैं, इस वजह से स्कोर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उड़ीसा का। और एसवाल रॉय थकते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके जो रेजर हैं कहने की उनको सही तरह से खिला नहीं पा रहे हैं, अच्छा शॉट यहाँ पे एसवाल रॉय का, लेकिन उतना ही सुंदर जवाब यहाँ पे और सुंदर ब्लॉक का फायदा मिलता हुआ। आप सभी को बता दूं कि जो लोकल वॉलीबॉल प्रेमी हैं अगर वो इस मैच को देख रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि ये जो है गेम चेंज का नहीं है, जिसकी ओर से सर्विस होगी उसी को अंक दिया जाएगा। और एक बार फिर से काफी अच्छी सर्विस, लेकिन यहाँ पे सर्विस में ही गलती कर बैठे और इसका अंजाम भुगतना पड़ा, एक अंक गवा बैठे। और एक बार फिर से सर्विस करेंगे कोलकाता के प्लेयर और देवाशीष, बहुत ही अच्छा प्रहार यहाँ पे, लेकिन उतना ही सुंदर जवाब, बहुत ही अच्छा प्रहार और इस बार नाकाम रहे उड़ीसा के प्लेयर। और इस भी स्कोर जो है 7-6 का खेल चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में, 7 है कोलकाता का और उड़ीसा का है इस वक्त 6। और बहुत ही खराब सर्विस यहाँ पे कोलकाता के खिलाड़ी के द्वारा और एक अंक का इजाफा होता हुआ 7-7। और सर्विस में गलती करी इस बार, काफी अच्छा सर्विस लेकिन सही तरह से डिफेंड नहीं कर पाए उड़ीसा खिलाड़ी मनिया, जो काफी अच्छे प्लेयर है, काफी अच्छा एनर्जी है उनमें, जिस प्रकार से इस सीजन पूरे बिहार में उनका खेल का प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा रहा है। और
काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे सीजन में, और इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में का अपना एक अलग चैप्टर है। काफ़ी अच्छा इस मैच मनिया के द्वारा इसका बहुत फायदा मिलता हुआ मनिया उड़ीसा को और उनकी टीम को, लेकिन बॉल कोर्ट से बाहर चली गई थी, इस वजह से अंपायर का इशारा 9-7 का स्कोर का खेल चलता हुआ। काफी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे कोलकाता की टीम, क्योंकि कोलकाता के पास एस वॉल रॉय जैसे इंटरनेशनल प्लेयर है, वही उड़ीसा के पास बहुत ही मंझे हुए प्लेयर मनिया है, और उनके जितने भी साथी हैं काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया है यहाँ पे, और लगातार जो है दर्शक उड़ीसा को चीयर करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि एक तरफ एस वॉल रॉय है तो दूसरी तरफ मनिया मनिया है, और यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे पकड़ बनाते हुए लगातार अच्छा कर रहे हैं, और इस वजह से दोनों के बीच में काफी रोमांचक मैच चलता हुआ। आप सभी को बता दूं कि सही मैच ऑफिसियल के द्वारा आप इस तरह के बहुत सारे मैच देख सकते हैं आने वाले दिनों में, जब वॉलीबॉल सीजन आएगा तो आप बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का मजा सही मैच ऑफिसियल में ले सकते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा मुकाबला नजर आ रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से यहाँ पे आसवल आगे निकल गया है, लेकिन सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए, उनके दूसरे खिलाड़ी ने गेंद को केवल पास किया और इसका फायदा मिलता हुआ। लगातार अच्छा कर रहे हैं कोलकाता, लेकिन इससे बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि उनके विपक्ष में है मनिया, और एक बार फिर से रॉल्सन सर्विस करेंगे, काफी अच्छी सर्विस, लेकिन यहाँ पे डिफेंड करने में कामयाब जरूर होंगे, और एक बार बहुत ही अच्छा प्रहार यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोर्ट से बाहर गेंद जाता हुआ, इस वजह से अंकों में इजाफा होता हुआ उड़ीसा के खाते में, एक अंकों का इजाफा होता हुआ, और अब देखना पड़ेगा कि एक बार फिर से किस तरह की सर्विस करते हैं मनिया, और काफी अच्छा सर्विस, और एक बार हल्के हाथों से केवल गेंद को प्लेस किया, और इसका भरपूर फायदा मिलेगा कोलकाता को, और इसके साथ ही 11-10 काफी अच्छा कर रहे हैं कोलकाता, कोलकाता 3 अंकों से आगे चल रही है, 11-8 की सर्विस काफी अच्छी सर्विस, और एक बार मौका है, लेकिन यहाँ पे भरपूर फायदा उठाते हुए मनिया हल्के हाथों से केवल स्मैश किया, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए 11-9 की सर्विस होगी मनिया की ओर से, उड़ीसा की ओर से सर्विस होगी 11-9 की सर्विस, काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश करते हुए ऑल इंडियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में यह खूबसूरत नजर आप देख पा रहे हैं, और काफी अच्छी सर्विस एक बार फिर से यहाँ पे रॉल्सन आगे निकल के आए नंबर 17 की जर्सी में, काफी अच्छा स्मैश यहाँ पे, लेकिन सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए और आउट मार बैठे, कोर्ट से बाहर मार बैठे, इस वजह से एक बार फिर से बेनिफिट मिलता हुआ मनिया और उनकी टीम को, और एक बार फिर से आगे निकल गया यश बोल रहा है, लेकिन सही तरह से गेंद को बना नहीं पाए, और यहाँ पे पैर से गेंद को खेलने का प्रयास किया। आप सभी को बता दूं कि यह टेनिस का गेम है, पैर से आप गेंद को उठा सकते हैं, क्योंकि ये चेंज का खेल नहीं है, और मनिया का स्कोर है इस वक्त उड़ीसा का 12 और 1 अंकों से पीछे चल रही है इस वक्त, और काफी अच्छा स्मैश, और इसका भरपूर फायदा मिलेगा कोलकाता को, और फिर से एसवाल जो है काफी थके हुए नजर आ रहे हैं, भारत के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बंगाल की कोलकाता की ओर से खेल रहे हैं इस मैच में ऑल इंडियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, और काफी अच्छा यहां पे प्रयास जरूर है, और अंपायर पे देखना पड़ेगा जिस रहेगा कि अंपायर का इशारा क्या होता है, और यहाँ पे कोलकाता की ओर झुकता हुआ अंपायर का इशारा, इसका बेनिफिट मिलेगा कोलकाता को। माफ कीजिएगा, उड़ीसा को फायदा मिलता है, काफी अच्छा यहाँ पे स्मैश, और फिर से यहाँ पे एक मौका है एसवेल के पास, और लेकिन मौका को भुनाया यहाँ पे मनिया उड़ीसा के खिलाड़ी ने, और फिर से यहाँ पे राजू के हाथ से सही तरह से गेम, राजू इसको जज नहीं कर पाए और गेम जमीन पे नीचे गिर गई, और इसके साथ ही अब फिर से सर्विस करते नजर आएंगे कोलकाता की टीम, और इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अभी तक दोनों ही टीमों ने काफी अच्छा मुजाहरा पेश किया है, देवाशीष काफी अच्छा डिफेंड करते हुए, और मनिया हल्के हाथों से गेंद को केवल प्लेस किया, और बहुत कुछ फायदा मिलेगा, 1 अंक का इजाफा होता हुआ उड़ीसा के खाते में, 1 अंक का इजाफा होता हुआ, अगर इस तरह का खेल दिखाएंगे देवाशीष मनिया और राजू और उनके जो भी स्मैशर है, अगर अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे, अच्छा खेलेंगे तो फिर ये मैच को जीत जाएंगे। पहला सेट का मुकाबला चलता हुआ और काउंटर फिनिश में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अब एसवेल रॉय और साथी खिलाड़ी मिलकर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से
14-15 का खेल चलेगा अभी दोनों ही टीमों के बीच में। इस वक्त 14 है उड़ीसा का और 15 है कोलकाता का, और यहाँ पे एक अंक का इजाफा और हो जाएगा। और काफी अच्छा खेल का मजा आ रहा है। आप सभी को बता दूं कि इसी साल उड़ीसा की टीम बिहार में आना स्टार्ट करी है और काफी अच्छा खेल का अभी तक मुजाहरा उन्होंने पेश किया है, चाहे वो झारखंड मोना चांदपुर में इस सीजन में पहली बार आए थे और काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया था, और इस ऑल इंडियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर से सर्विस करेंगे कोलकाता के खिलाड़ी, काफी अच्छी सर्विस, जंपिंग सर्विस, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रहार और इसका फायदा मिलेगा उड़ीसा को। आप सभी को बता दूं कि जो हमारे लोकल वॉलीबॉल प्रेमी हैं, आप सभी को बता दूं कि यह मैच चेंज का नहीं है, यह टेनिस का मैच है। जिस टीम की ओर से सर्विस होगी उसी का अंक गिना जाएगा। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एसएल राय को, नंबर 11 की जर्सी पहन करके कोलकाता की ओर से खेल रहे हैं और भारत के लिए कभी बहुत सारे मैचों का अनुभव रहा है और यहाँ पे नाकाम जरूर रहेंगे एसएल राय, लेकिन उनके साथ खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा स्मैश किया और फिर से मौका बनेगा यहाँ पे नंबर 17 जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा। काफी अच्छा स्मैश, लेकिन देखना पड़ेगा कि बॉल आउट है या नहीं, अंपायर का इशारा काफी इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और इस वक्त स्कोर है बंगाल का 16 और माफ कीजिएगा 18-16 है, 18-16 है स्कोर। और काफी अच्छी सर्विस यहाँ पे एसवाल राज काफी अच्छा डिफेंड करते हुए, और उनके साथ ही खिलाड़ी ने हल्के हाथों से गेंद को केवल दूसरे खेमे में पास किया और काफी अच्छा स्मैच है यहाँ पे उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा। और एक बार फिर से एसवाल राज ने हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और इसके साथ ही काफी अच्छी यहाँ पे सूझबूझ भरी खेल का मुजाहरा पेश करते हुए एसवाल राज, जो भारत की ओर से खेलते हैं और यहाँ पे कोलकाता की ओर से इस ऑल इंडियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और काफी अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। और अभी उनके द्वारा बेहतरीन शॉट नहीं नजर आए हैं, उनके द्वारा बेहतरीन शॉट नहीं लगाया गया, लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे हल्के हाथों से स्मैश करते हैं, सूझबूझ भरी साझेदारी के साथ में अपने खिलाड़ियों के साथ में बेहतर स्मैश करते हैं और इसका फायदा दिलाते हैं उनके टीम को लगातार यहाँ पे एसवाल राज। और एक बार फिर से लगातार यहाँ पे उड़ीसा के खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं दर्शक, दर्शक काफी संख्या में इस मैच को देखने के लिए आए हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट मुकाबला है कोलकाता वर्सेस उड़ीसा के बीच में। यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे एसवाल राय का प्रयास सफल भी रहे, काफी अच्छा स्मैश, बहुत देर के बाद यहाँ पे एसवाल राय का स्मैश, क्योंकि बहुत देर से ऐसा कहा जा रहा था कि एसवाल राय सही तरह से गेम को बना नहीं पा रहे हैं या फिर केवल प्लेस ही कर रहे हैं, शॉट के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर बाद उनके हाथों से बहुत ही अच्छा स्मैश एवर मनी आगे निकल के आए, लेकिन इस गेम को दूसरे खेमे में पास करते हुए बंगाल के खिलाड़ी। और यहाँ पे हल्के हाथों से केवल गेंद को प्लेस किया, लेकिन इसका फायदा मिलेगा कोलकाता को। दोनों का स्कोर जो है लेवल हो चुका है, दर्शकों तालियों से स्वागत करें, दोनों का स्कोर हो चुका है 19 इक्वल हो चुका है और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि 30 का ये गेम है, 19 स्कोर 20 इसके साथ ही एक और अंकों के साथ ही कोलकाता का स्कोर हो चुका है 20 और 19 पे है इस वक्त उड़ीसा के टीम का स्कोर। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो टीम 30 स्कोर कर लेगी वो टीम यह सेट को जीत जाएगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि मनिया की टीम है वो किस तरह से इस मैच को देखते हैं, और काफी अच्छा सर्विस, और आप सभी जानते हैं कि मनिया जो है सर्विस के लिए काफी फेमस है, सर्विस उनके द्वारा काफी अच्छी सर्विस होती है, इस वजह से यहाँ पे सर्विस में एक और अंकों का फायदा उठाते हुए अपने टीम के लिए। और यहाँ पे उनके जो विपक्षी खिलाड़ी हैं कोलकाता के खिलाड़ी, क्योंकि काफी अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ही टीम लगातार अच्छा कर रहे हैं, दोनों ही टीम लगातार यहाँ पे अपना स्कोर को लेवल करते हुए, और फिर से देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आगे किस प्रकार से खेलते हैं, क्योंकि एक ओर है उड़ीसा, दूसरी ओर है कोलकाता, कोलकाता की ओर से इस वक्त एसवाल राय खेल रहे हैं और उनके विपक्ष में है मनिया जो काफी अच्छे स्मैशर हैं, आपने बहुत सारे मैचों में हरियाणा की ओर से भी इनको खेलते हुए देखा है, और यहाँ पे एक अंक का और इजाफा हो जाएगा उड़ीसा,
इसके साथ ही दोनों का स्कोर फिर से एक बार बराबर होता हुआ 21-21 का स्कोर का खेल चलता हुआ यहाँ पे काफी अच्छा इस मैच यहाँ पे एसवल राय के द्वारा लंबे होने का काफी अच्छा फायदा उठाते हुए एसवल राय। दोनों ही टीमों का स्कोर इस वक्त लेवल है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस प्रकार का खेल कब तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी शुरुआत से इस मैच में दोनों ही टीमों ने काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया, चाहे वो कोलकाता हो या फिर वो उड़ीसा मनिया की टीम हो, दोनों ही टीम काफी अच्छा खेल रहे हैं। और इस वक्त मनिया उड़ीसा की टीम एक अंकों से आगे चल रही है। मनिया का स्कोर है 22 और कोलकाता का स्कोर है 21 और 21-22 की ये सर्विस काफी अच्छा इस मैच यहाँ पे, और फिर से एक बार एक अंगू और फायदा हो जाएगा उड़ीसा के लिए। काउंटर अटैक काफी अच्छा करते हैं आप सभी को बता दूं कि जब सीजन आएगा वॉलीबॉल का सीजन आएगा तब आपको इससे बेहतर मुकाबले का मजा आप मेरे यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में ले सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि जो भी टूर्नामेंट होंगे उसमें आपको मैच स्टार्टिंग से लेकर के 12 बजे रात तक लाइव दिखा जाएगा। इसके बाद सुबह 5 बजे से फाइनल तक आपको लाइव दिखा जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों टीमों के बीच में आज कौन सी टीम इस ट्रॉफी को ले पाते हैं। काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश करते हुए एक बार फिर से एसवल राय और कोलकाता की टीम काफी मंजे हुई टीम है। काफी इस टीम में काफी अच्छे से खिलाड़ी हैं, चाहे वो एसवल राय है या फिर उनके रेजर हो या फिर सभी इस मैच से काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया है और काफी अच्छा यहाँ पे डिफेंड करते हुए कोलकाता के खिलाड़ी। एक बार फिर से राजू ने गेंद बनाया है यहाँ पे और उतना ही सुंदर ब्लॉक यहाँ पे कोलकाता के द्वारा, फिर से मौका बनाया यहाँ पे मनिया के पास, मनिया के द्वारा हल्के हाथों से गेंद को केवल पास किया गया और एसवल राय हल्के हाथों से गेंद को पास किया और एक बार फिर से राजू ने बनाया मनिया के लिए और काफी अच्छा इस मैच से, लेकिन शायद कोर्ट से बाहर चली जाएगी। जी हाँ, अंपायर का इशारा कोर्ट से बाहर, उसका फायदा मिलेगा यहाँ पे कोलकाता की टीम को। टाइम आउट और इसके साथ ही टाइम आउट ले लिया गया है कोलकाता की ओर से। कोलकाता की ओर से टाइम आउट ले लिया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जब टाइम आउट समाप्त होगी, टाइम आउट से वापसी करेंगे तब किस तरह का खेल का मुजाहरा पेश करेंगे यहाँ पे कोलकाता। और एसवल रॉय और नंबर 17 जैसे खिलाड़ी एक दूसरे से बात करते हुए कि आगे किस प्रकार से इस खेल को आगे बढ़ाना है। काफी अच्छा इस मैच यहाँ पे उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए काउंटर काफी अच्छा करते हैं। काउंटर अटैक जो है उड़ीसा का काफी अच्छा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए उड़ीसा की टीम जो है इस साल काफी अच्छा अपना नाम कमाई है इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, खास करके बिहार में। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि एसवल राय क्या करते हैं। काफी अच्छा इस मैच यहाँ पे एसवल राय का, लंबे का शॉटकटी खिलाड़ी हैं, अच्छा जंप करते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए, क्योंकि एसवल राय जो भारत की तरफ से कई मैचेस खेल चुके हैं और इसका अनुभव काफी अहम रहेगा कोलकाता के खिलाड़ियों के लिए। ये और एक बार फिर से चीयर करते हुए उड़ीसा के लिए दर्शक, एक ऐसा कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा, दर्शक पूरी ओर से उड़ीसा की ओर झुक चुके हैं और केवल उड़ीसा के लिए ही चीयर कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं, अगर आप वॉलीबॉल प्रेमी हैं तो आपको दोनों ही टीमों के लिए चीयर करना चाहिए। जिस प्रकार से एसवल राय खेल रहे हैं यार, काफी अच्छा खेल रहे हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एसवल राय को, जो भारत की ओर से काफी मैचेस खेल चुके हैं। और अब क्या करते हैं एसवल राय, दिखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। काफी अच्छा इस मैच अगर फिर से एसवल राय का, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंड करते हुए उड़ीसा एक प्लेयर और इस बार मनिया, काफी अच्छा इस मैच यहाँ पे मनिया का, लेकिन यहाँ पे ना कामयाब रहेंगे उड़ीसा के प्लेयर और एक अंकों का इजाफा जरूर कर लेंगे बंगाल के कोलकाता के खिलाड़ी। मनिया का स्कोर है 24 और 26-24 की सर्विस होगी। कोलकाता का स्कोर है 26 और उड़ीसा का स्कोर है, कोलकाता का स्कोर है 26 और उड़ीसा का स्कोर है 24, लेकिन एक अंक और इजाफा हो जाएगा और इसके साथ ही दोनों टीमों का स्कोर बराबर। काफी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों ही टीम बंगाल और उड़ीसा के बीच में काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से राजू ने बनाया गेंद यहाँ पे
और काफी अच्छा स्मैश यहाँ पे उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन उतना ही सुंदर जवाब और यहाँ पे नाकामयाब रहे राजू, गेंद को सही तरह से बना नहीं पाए और मनिया जो है काफी यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए राजू के ऊपर में, क्योंकि राजू को इस गेंद को कलेक्ट करना चाहिए था, गेंद को बनाना चाहिए था मनिया के लिए, लेकिन नाकामयाब रहे। और दिखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि एक बार फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, काफी अच्छी सर्विस ना पितली सर्विस यहाँ पे और उतना ही सुंदर जवाब मनिया के द्वारा और इसका फिर से भरपूर फायदा मिलता हुआ, एक अंगों का इजाफा और कर लेंगे मनिया और उनकी टीम उड़ीसा। धीरे धीरे ये मैच काफी रोमांचक मोड़ पे अटक चुका है और दोनों का स्कोर लगातार, दोनों ही टीमें किसी से कम नहीं है, दोनों ही टीमें एक दूसरे का पीछा करते हुए और काफी अच्छा इस मैच, उतना ही सुंदर ब्लॉक यहाँ पे उड़ीसा खिलाड़ी के द्वारा, एक बार फिर से मौका बनाया यहाँ पे अश्विन राय के द्वारा, लेकिन अश्विन राय सही तरह से अश्विन राय नहीं खेल पाया और दूसरे उनके खिलाड़ी है काफी अच्छा यहाँ पे इस मैच खेल, उतना ही सुंदर ब्लॉक। काफी अच्छा खेल का मुजहरा इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में। आप सभी को बता दूं कि अगले जो भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट होंगे उसका आप डायरेक्ट आईपीएल की तरह आप लाइव देख सकते हैं, अपने घर से बैठ करके आप सैफ नवाज ऑफिस के द्वारा आप किसी भी बड़े वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मजा आप ले सकते हैं। और यह मैच अंतिम पड़ाव में पहुंचता हुआ, इस सेट का देखना पड़ेगा कि इस सेट कौन टीम किस टीम अपने झोली में डाल पाते हैं। और काफी अच्छा स्मैच यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे और कोलकाता के अश्विन राय फिर से तैयार हैं और ओके बहुत इस तरह से गेंद बनाए यहाँ पे नंबर 17 जर्सी खिलाड़ी के लिए और काफी अच्छा स्मैच, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। एक बार फिर से तैयार हैं उड़ीसा के सभी खिलाड़ी और टाइम आउट ले लिया गया है इस वक्त, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी थक चुके हैं, इस बार टाइम आउट ले रहे हैं। अब सब दिख बता दें दो टाइम आउट ले लिया गया है, अब ये आखिरी टाइम आउट है और काफी अच्छा सर्विस यहाँ पे उड़ीसा के द्वारा, लेकिन उतना ही सुंदर जवाब यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे बॉल को बनाते हुए और काफी अच्छा स्मैश मनिया उड़ीसा के द्वारा और इसका भरपूर फायदा मिलेगा और इसके साथ ही दोनों का टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है 29-29, दोनों ही टीम का स्कोर लेवल हो चुका है 29 इंच का खेल का मुजहरा पेश करते हुए और काफी अच्छी सर्विस यहाँ पे और एक बार देखना पड़ेगा क्या करेंगे और यहाँ गलती कर बैठे और 30 हो चुका है अब 30-29 की है सर्विस कोलकाता की ओर से और ये काफी अच्छा स्मैश, अब दिखना पड़ेगा कि अश्विन राय कुछ कर पाते हैं या नहीं, काफी अच्छा स्मैश है अश्विन राय के द्वारा, लेकिन बहुत ही अच्छी ब्लॉक यहाँ पे और फिर से अश्विन राय, लेकिन इस बार काफी अच्छा शॉट बंगाल के कोलकाता खिलाड़ी के द्वारा, काफी सुंदर ब्लॉक, इसके साथ ही कोलकाता यह सेट जीत चुकी है, काफी अच्छा यहाँ पे ब्लॉक और इसके साथ ही यह मैच जीत चुके हैं कोलकाता, काफी अच्छा इस मैच करते हैं कोलकाता।